वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ सक्योर हैल्गोरिदम पार्ट टू इन केस इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो बैक वॉच द फर्स्ट पार्ट एंड देन कम बैक योर अगेन एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इन कंटिन्यूएशन दैन लेट्स गेट स्टार्ट सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास पाँच वर्ड्स हैं एक वर्ड होगा थर्टी टू बिट्स का और उससे हमने ये ए बी सी डी ई बफर्स को इनिशलाइज कर दिया एवरी बफर इज़ ऑफ थर्टी टू बिट्स तो हमने ए बी सी डी ई में ये वैल्यूज पुट कर दिए और अब हमने उनको थोड़ा साइड में रख दिया है अब हम यही वैल्यूज़ यूज़ करके न्यू ए बी सी डी ई वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे सो न्यू बी तो हो गया अपना ओल्ड ए न्यू सी होने वाला है अपना ओल्ड बी लेफ्ट शिफ्टेड थर्टी टाइम्स न्यू डी होने वाला है ओल्ड सी न्यू ई होने वाला है ओल्ड डी और न्यू ए कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए वर्ड्स चाहिए और कॉन्स्टेंस चाहिए सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस न्यू ए वैल्यू सो न्यू ए वैल्यू करने कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी राउंड वन टू राउंड ट्वेंटी की इन राउंड्स में हम लोग फंक्शन एफ वन और कॉन्स्टेंट के वन यूज़ करने वाले हैं फंक्शन एफ वन मतलब बी एंड सी और नॉट बी एंड डी तो ये BCD जो है उस पे हम एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन यूज करेंगे एंड देन द रिजल्ट दैट वी गेट द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन एफ इज गोइंग टू बी सेंट एज एन इनपुट फॉर दिस मोड्यूलो एड ऑपरेशन सो यहाँ पे हम लोग ई e वैल्यू का एड करने वाले हैं आउटपुट ऑफ फंक्शन एफ के साथ इसका जो रिजल्ट आएगा उसका हम एड ऑपरेशन करने वाले हैं विथ ओल्ड ए वैल्यू लेफ्ट शिफ्टेड एस नंबर ऑफ टाइम्स सो so, ये दो वैल्यू का एडिशन करने के बाद हम जाने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग एडिशन करने वाले हैं विथ वैल्यू डब्ल्यू टी सो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर हमारे पास 80 वर्ड्स हैं डब्ल्यू जीरो से लेके डब्ल्यू सेवेंटी नाइन तक फर्स्ट राउंड वन टू राउंड ट्वेंटी के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं डब्ल्यू जीरो टू डब्ल्यू नाइनटीन तो सबसे पहले हमारा वैल्यू होगा यहाँ पे डब्ल्यू जीरो सो डब्ल्यू जीरो का मैं एडिशन करूंगी आउटपुट ऑफ द प्रीवियस स्टेप के साथ और उसका आउटपुट जो आएगा रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट का मैं एडिशन करूंगी के टी वैल्यू के साथ सो so, ये के टी वैल्यू होगी ये कॉन्स्टेंट वैल्यू जो राउंड वन से लेके राउंड ट्वेंटी तक सेम रहने वाली है सो so, ओल्ड हम लोगों ने बी सी डी ई e कैसे कैलकुलेट करना देख लिया था न्यू ए के लिए हमें ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे पहले तो हमें फंक्शन एफ़ यूज़ करके एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है एफ मतलब ये फंक्शन फिर हमें ये चार स्टेप्स करने हैं हर एक स्टेप के लिए हम लोगों ने एड ऑपरेशन यूज़ किया है डब्ल्यू टी मतलब हम लोगों ने डब्ल्यू जीरो टू डब्ल्यू नाइनटीन यूज़ किया है बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट राउंड वन टू राउंड ट्वेंटी एंड के टी इज़ गोइंग टू स्टे द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ दिस के वन सो ऐसे हमने अब न्यू ए कैल्कुलेट किया है ना लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट बैच नेक्स्ट बैच होने वाली है ऑफ राउंड ट्वेंटी वन टू राउंड फोर्टी यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा अब हम यूज करेंगे फंक्शन एफ टू तो एफ टू क्या होगा इट विल बी बी एक्स और विथ सी एक्स और विथ डी ये करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा हम वही सेम फोर स्टेप्स यूज करेंगे अब यहाँ पे डब्ल्यू टी का रेंज होगा अब यहाँ पे डब्ल्यू ट्वेंटी टू डब्ल्यू थर्टी नाइन के टी इज़ गोइंग टू बी दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू और ये फोर स्टेप्स करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे हमारा न्यू ए एक बार हमने एफ़ टू uh, के टू डब्ल्यू और एफ फंक्शन के वैल्यूज़ को यूज़ करके नया ए कैलकुलेट कर लिया उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए इन द नेक्स्ट राउंड वी हैव राउंड फोर्टी वन टू राउंड सिक्सटी फंक्शन इज गोइंग टू चेंज अगेन तो यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ थ्री है विच इज़ बी एंड सी फिर हम करेंगे बी एंड डी फिर हम करेंगे सी एंड डी और वो जो रिजल्ट आएगा उन तीनों का हम और करेंगे सो so, एक बार हमने और ऑपरेशन यूज़ किया फिर हमें जो यहाँ पे आउटपुट आएगा आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन एफ सेम फोर स्टेप्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म एडिशन विथ ई एडिशन विथ ए लेफ्ट शिफ्टेड एस नंबर ऑफ़ टाइम्स एडिशन विद अब हमारा डब्ल्यू का रेंज होगा डब्ल्यू फोर्टी टू डब्ल्यू फिफ्टी नाइन एंड फाइनल ऑपरेशन विद के टी के टी होगी हमारी ये वैल्यू सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस न्यू ए फॉर द लास्ट एंड फाइनल बैच वी आर गोइंग टू सी अबाउट राउंडी वन टू एटी सो ये राउंड में हमारा फंक्शन है बी एक्सर विथ सी एक्स ऑर विथ डी बी एक्स ऑर विथ सी एक्स ऑर विथ डी सो ये यूज करके अब हम लोग फोर स्टेप्स करेंगे W का हमारा रेंज होगा नाउ फ्रॉम W60 सिक्सटी टू डब्ल्यू सेवेंटी नाइन इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू F तो हम लोगों ने बी एक्स और सी एक्स और डी यूज किया है और फिर ये चार स्टेप्स करके हमें मिलेगा हमारा फाइनल A। सो आउटपुट ऑफ राउंड ए मतलब आफ्टर W79 सेवेंटी नाइन एंड आफ्टर यूजिंग के टी वी आर गोइंग टू गेट न्यू ए बी सी डी ई वैल्यूज दैट इज गोइंग टू बी आवर हैश ऑफ वन सिक्सटी बिट्स I hope this video was helpful for you to understand the secure hash algorithm. Do like and share this video. Thank you for watching. See you in my next video.